लेकिन सर मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं होते, प्लीज हेल्प मी सर, विकास मौर्या, ये आप सब लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, मैं पहली बता रहा हूं, मैं इसमें गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मेरी समझ। मॉड्यूल मैंने देखा है पीडब्ल्यू का, ठीक है, इस साल पिछले साल का मॉड्यूल मैंने नहीं देखा है, इस साल का मॉड्यूल प्रॉपर जेई एडवांस लेवल है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना बाहर यूट्यूब पे वीडियो आती है, क्या पीडब्ल्यू के मॉड्यूल जेई एडवांस के लिए सफिशियंट है क्या, मैं बोल रहा हूं यस है, यस है, दे आर नॉट ओनली सफिशियंट, दे आर मोर देन सफिशियंट, बात समझ मेरी बात को, वो सफिशियंट नहीं है, मोर देन सफिशियंट है। इनफैक्ट मैंने तो बोला भी था, अभी भी बोला है कि मैंने कहा काम करते हैं, शायद इसमें कुछ अच्छे लेवल के सवाल जरूरत से ज्यादा भी आ गए हैं, तो हम ये काम भी कर सकते हैं कि उनको थोड़ा सा हटा दें और उनको तब करवाएं जब बच्चे जी एडवांस की प्रिपरेशन करें। लेकिन ये बात बोलना कि सर पीडब्ल्यू के मॉड्यूल तो बहुत लो लेवल के हैं, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल लगा लोगे तो सिलेक्शन नहीं होता है, लगा लो तो सिलेक्शन की गारंटी नहीं, ऐसा ये सब बेबुनियादी बेकार बातें हैं। सच बात ये, पर्सनली लेवल पे मैंने देखा है, ठीक है, मैं देख चुका हूं कोटा के इंस्टीट्यूट के जितने मॉड्यूल हैं, ठीक है, ये मैं समझना कि जब आप पीडब्ल्यू में तो पीडब्ल्यू की तारीफ करोगे, ऐसा नहीं, देख तू मेरा नेचर जानता है, जहां गड़बड़ी कमी होती है मैं बोल देता हूं, ठीक। कोटा के जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन सबके मॉड्यूल पीडब्ल्यू के मॉड्यूल मैंने देख लिए हैं, सब पीडब्ल्यू का मैंने बहुत डिटेल में जाकर देखा है, और अब इस टाइम पे ये वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल है, वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल है, समझ मारी बात। इसमें तेरे को हर लेवल के सवाल मिल जाएंगे, इसमें तेरे को एवरेज लेवल के सवाल मिलेंगे, सिंपल लेवल के सवाल मिलेंगे, जेईई लेवल के सवाल मिलेंगे, जेईई एडवांस लेवल के सवाल बनेंगे, मिलेंगे तेरे को वहां पर, पीवाईक्यूज में मिलेंगे। अब बात आती है सर, तो हम अपने आप को जज कैसे करें, तो एक जज करने का तरीका यह है कि अगर तू 50% क्वेश्चन बना ले रहा है, समझना मेरी बात को, ठीक है, ये हो सकता है काफी बच्चों को और भी इशू आए, अगर तू 50% क्वेश्चन ऑफ द मॉड्यूल बना ले रहा है, दैट मींस यू आर गोइंग गुड, आप बहुत अच्छा जा रहे हो। तेरे को यकीन नहीं होता, किसी भी बच्चे से कोटा में जो ऑफलाइन पढ़ रहा है उससे पूछ लेना कि तेरे मॉड्यूल का कितने परसेंट सवाल बनते हैं, वो तेरे को जवाब दे देगा। बरसते टीचर ने मॉड्यूल के सारे सवाल ही क्लास में करा दिए हो तो बात अलग है, देख तब तो सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर रियलिटी में बात करें, 50% अगर 50% या 50% ज्यादा सवाल तू बना ले रहा है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चन जो नहीं बन रहे, इसका मतलब वहां पर सीखने के लिए स्कोप है ना तेरे पास, ठीक है, वहां पर सीखने के लिए स्कोप है, वहां से तू चीजें सीख, सीखने का मतलब समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो थोड़ा गैप रह गया है, जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, जो मैथमेटिक्स थोड़ी सी टफ हो गई है, जो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो गई है, वो चीज सीख, क्योंकि सवाल ना होने का केवल ये रीजन नहीं होता है कि तेरे को आता नहीं है, सवाल ना होने का एक रीजन ये भी होता है तेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, तू कैलकुलेशन में फंस गया, बात समझ आ रही है, तू लैंग्वेज को क्रैक नहीं कर पा रहा है। अब वो चीज ऐसा नहीं एक दिन में ठीक हो जाएगी, उस चीज को अभी 3-4-5 महीने लगेंगे, वो चीज धीरे धीरे ठीक होती है, ओके चलो नेक्स्ट।